हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ में कीनवा की तीन साथ में एक बहुत ही हेल्दी डिपिंग की रेसिपी भी शेयर करेंगे, जिसको आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। प्रोटीन, फाइबर रिच और काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन इसको बनाने से पहले 4 से 6 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरीके से रब करेंगे पानी में डालने के बाद में, और इसको आराम से भीगने के लिए रख देंगे। पहले 3 से 4 बार धो लेंगे इसको पानी से, और इसको रख देंगे सोक करने के लिए। वापस इसे 1-2 बार और धो लेंगे। इस तरीके से धोने से क्या होता है ना, सारी डस्ट इसकी निकल जाती है। पानी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मटमैला सा रहता है। अब इसको हमें कुकर में पका लेना, जैसे कि हम लोग चावल पकाते हैं। ध्यान थोड़ा सा रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे कि 1 कप कीनवा हमने लिया था ना, 1 कप कीनवा के साथ में 1 कप ही पानी डालेंगे। सेम बोल से ही आप मेजर कर लीजिए। ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा स्टिकी, जैसे चिपचिपा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है, और ये बहुत जल्दी से पक जाएगा क्योंकि इसको ऑलरेडी हम सोक कर चुके थे। तो बस 1 विजल में ये पक जाता है, और बस थोड़ी देर रखा रहेंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी सा एकदम बना है, खिला खिला सा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। अब कुछ चीज़ें हमें चॉपिंग कर लेनी, जैसे कि प्याज, अगर आप थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सैलड हम पहले बनाने जा रहे हैं, थोड़ी सी हमने धनिया काट लेनी है, और प्याज बारीक सा काट लेना है, और सीजनल जो भी, जैसे सैलड के लिए खीरा है या फिर ककड़ी, जो भी चीज़ें इस्तेमाल आप करना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे तीनों ही रेसिपी बहुत अच्छी हैं, अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है। थायराइड या फिर PCOD की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। डायबिटीज़ की अगर दिक्कत है तो उसमें भी आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फाइबर है, साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स का भी हमने इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ड्रेसिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए नींबू हमने इस्तेमाल करा है, थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पर बालसामिक विनेगर इस्तेमाल करा है, थोड़ा सॉल्ट और काली मिर्च डाल दिए। सबसे पहले बॉयल्ड किनुआ में हमने ग्रेटेड जिंजर डाली है, अदरक डाल दी, थोड़ा सा जो ड्रेसिंग बनाई थी वो, और साथ में खीरा, जितना भी हमने यहाँ पे सैलड काटा है वो डाला। थोड़े से हमने अंगूर इस्तेमाल करें, हल्का सा मिठास रहती ना, बीच बीच में आती ना, अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं इस्तेमाल करा है, थोड़ी सी धनिया डाल दी है, बाद में थोड़ा सा जो ड्रेसिंग बची थी वो हमने ऐड कर दिए, और बस इसको मिक्स करेंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी, स्पेशली समर के लिए बहुत ही अच्छा सा सैलड बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे टिफ़िन बॉक्स में ले जा सकते हैं, या फिर मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, डिनर में आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और वैसे जैसे थायराइड वगैरह की दिक्कत होती है तो वहाँ पे ब्रोकली वगैरह खाना मना किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है या खा सकते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रोकली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे सिर्फ 2 मिनट लिए, जैसे पानी बॉयल होगा सिर्फ 2 मिनट लिए। बहुत ज़्यादा देर तक स्टीम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाएगी और कलर भी इसका डार्क हो जाता है। फिर इसको रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ना 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड हमने पहले ही सोक कर दिए थे ताकि अच्छे से भीग जाए, और इसकी बहुत टेस्टी क्रीमी सी ड्रेसिंग बन के रेडी होती है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी लगती, मतलब होती है, और टेस्टी बहुत लगती है खाने में। तो यहाँ पे इसको रखने के बाद में जो हमने कीनुआ, अगर आप 1 कप कीनुआ ले रहे हैं तो उसको जब पकाते हैं कीनुआ को तो लगभग 2.5 कप हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमने 1 कप भर के यहाँ पे कीनुआ ले लिया, और ब्रोकली 1/2 कप लिए, थोड़ा सा प्याज डाल दिया इसके अंदर, और बेसन का इस्तेमाल करा है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई मिर्चें, धनिया डाल दिया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसके अंदर जैसे ही काली मिर्च का पाउडर, जितने चीज़ें आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी हमने डाल दी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमने नहीं ऐड करी है, 3/4 कप ही बेसन डाला है। बहुत बेसन डालने से ना बेसन का टेस्ट ज़्यादा पता चलेगा, और इसके अंदर हमने पानी भी नहीं डाला था, ब्रोकली को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लिया था ताकि बेसन की क्वांटिटी, मतलब बेसन हमें बहुत ज़्यादा ना ऐड करना पड़े। अब यहाँ पर इनको एकदम फ्लैट कटलेट की तरह बना लेंगे, और थोड़े से ही घी में ही आराम से फ्राई हो जाते हैं। ज़्यादा बेसन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल में आपको फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो बेसन का ना कच्चापन पता चलेगा। या तो आप बेसन को हल्का सा रोस्ट करके फिर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े से घी में आप देख सकते हैं इतने अच्छे से भून के रेडी हो जाते हैं, बहुत क्रिस्पी सी लगते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा कीनवा कटलेट की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बना लेते हैं कीनवा का चीला। तो इसके अंदर जो भी सब्ज़ियाँ आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गाजर इस्तेमाल करी, थोड़ी सी ब्रोकली हमने इस्तेमाल करी है, और बेसन यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक यहाँ पे 1/2 कप कीनवा था तो 1/2 कप हमें बेसन ऐड करना पड़ेगा,
और पानी डाल के इसका भी घोल बना लें, थोड़ा सा गाढ़ा। बाकी इसमें काली मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, जितनी भी जो भी चाहें चीज़ें आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। और बस इसको हमें पतला पतला जितना हो सके उतना पतला इसे फैला लेंगे, क्योंकि इसमें कीनवा साबुत है ना, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता है। थोड़ा सा कवर करके एक दम पका लेंगे, फिर हल्का सा घी लगा के बस दोनों तरफ अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये हमारा सुबह का हेल्दी प्रोटीन फाइबर रिच ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाता है। हाँ, अगर किनवा पहले भी फ्रिज में रखा है तो बहुत जल्दी से आप इसे बना सकते हैं। अब चलिए बना लेते हैं बहुत ही हेल्दी, इसको साथ में खाने के लिए डिपिंग और हरी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे पम्पकिन सीड अच्छे से भीग चुके हैं, तो थोड़ा सा पानी, जीरा, काली मिर्च, सारी चीज़ें डाल के बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे थोड़ा दही, दही ना एकदम फ्रेश हो, जो खट्टा ना हो ज़्यादा, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और डिपिंग को आप फ्रिज में 2 दिन तक रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये थोड़ा प्रोटीन रिच भी हो जाता है ना, तो पेट भी इसको जैसे चीला वगैरह के साथ खाते हैं तो पेट थोड़ा देर तक अच्छे से भरा रहता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी पौष्टिक भी रहती है ये। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे दही के साथ में और नमक वगैरह एडजस्ट कर लेंगे और बस हमारी क्रीमी सी डिपिंग बनकर रेडी हो जाती है। और कटलेट के साथ में ना आप बस खुद ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा, बहुत टेस्टी कटलेट लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं बाहर से अंदर थोड़े सॉफ्ट। और अगर रेसिपी पसंद आई तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।